हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा। और रिवीजन क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक और रिवीजन क्लास आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, आप लोगों का कुछ सुझाव था जो मैंने कंसीडर किया है। आप लोगों ने कहा था कि रिवीजन क्लासेस जो हमारी चलती हैं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दिए जाएँ, तो आज से हम लोग जो है ये जो रिवीजन क्लास करने जा रहे हैं यहाँ पर टोटल 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। टोटल 15 का 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ मैंने अपने साइड से किया है कि ऑप्शन को एलिमिनेट मतलब हटा दिया है। अब जो भी क्वेश्चंस रहेगा, देखो जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा, ऑप्शन नहीं दिखेगा। एक या दो क्वेश्चन में आगे ऑप्शन में दूंगा, बाकी पैटर्न अब यही रहने वाला है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस चीज़ें उसी हिसाब से चलेंगी जैसे हम लोग पिछला रिवीजन क्लास किया करते थे। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, उसको मैं पढ़ूंगा और उस ड्यूरेशन में आपको अपना आंसर जो है उसका करेक्ट आंसर सही आंसर अपनी नोटबुक वगैरह पे कहीं नोट डाउन कर लेना है। और वीडियो खत्म होने के बाद में आप लोगों को अपना स्कोर बताना है कि आउट ऑफ 15 आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, इसी तरीके से सारी चीज़ें चलने वाली हैं। और देखो दो क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे लिखे गए हैं, जब तक मैं दोनों क्वेश्चन पढ़ूंगा तब तक को आप लोगों को उसका आंसर नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना या कमेंट कर कर बताना है। और वीडियो के एंड में आपको टोटल 15 में से कितने नंबर पाए आप लोगों को ये बताना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान फॉर डायबिटिक्स। ठीक है, किस बीमा कंपनी ने हाल ही में मधुमेह रोगियों के लिए भारत की पहली बीमा योजना शुरू की है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक ना, भारत की पहली बीमा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू असिस्ट इंडिया टू अचीव सस्टेनेबल क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी CPS 2023 टू 2027 कैटलाइज रोबस्ट क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी कि भारत को अगले 5 वर्षों के लिए स्थायी जलवायु लचीला और समावेशी विकास प्राप्त करने में सहायता करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी 2023-2027 उत्प्रेरक मजबूत जलवायु लचीला और समावेशी विकास लॉन्च किया है, ये दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। और अब तक आप लोगों ने इसका आंसर नोट डाउन कर लिया होगा, दे दिया होगा, मैं इसी उम्मीद कर रहा हूँ। आंसर जानते हैं हम लोग इसका, तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज। कितने लोगों का सही हुआ, इसका जो आंसर हो जाएगा बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो इससे संबंधित और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को बताई गई थी वो भी आप लोग याद कर लेना। किस नाम से ये जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस प्लान है, वो किस नाम से लॉन्च किया गया ये भी आप लोगों को पढ़ाया गया था, तो क्या नाम है आप लोग रिकॉल करते हुए चलना। बजाज एलियांज किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है, इसके MD एंड CEO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करना। दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम लोग आते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया था, दूसरे क्वेश्चन में ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया था, विच ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक ADBA, इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। कितने लोगों का ये सही हुआ, ठीक है ना, कितने लोगों का ये सही हुआ है। आप लोग इस क्वेश्चन को जब पढ़ाया गया था तब उन सारी चीज़ों को भी याद करना कि ये CPS के 3 पिलर वगैरह आपको बताए गए थे ना, 3 पिलर्स ऑफ CPS, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी, तो ये सब कुछ आप लोग रिकॉल करते हुए चलना। यहीं पर ऐसा ना हो कि आप मतलब चीज़ें भूल जा रहे हैं और मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ, रिवीजन का मतलब यही होता है कि सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करते हुए चलना। थीम भी बताई गई थी आपको CPS वगैरह की, तो सब कुछ भी आप लोग रिवीजन मतलब उसको इस साथ में रिवाइज करते हुए चलना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर भी दो क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इतने देर में आप लोगों को इसका आंसर करना है। इन ऑर्डर टू एक्सटेंड डिजिटल सप्लाई चेन फाइनेंसिंग सोल्यूशन टू स्मॉल एंड मीडियम साइज बिजनेसेस विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर विद UBI, UBI का पुराना नाम क्या था, फ्रेड एवेन्यू। ठीक ना, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण समाधान का विस्तार करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में UBI, जिसे कि पहले फ्रेड एवेन्यू के नाम से जाना जाता था, इसके साथ में भागीदारी की है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है, हिंदी ना समझ में आए तो इंग्लिश देख लिया करो, इंग्लिश ना समझ में आए तो हिंदी देख लिया करो। पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक, यूको बैंक के MD एंड CEO के रूप में किसे हाल ही में अपॉइंट किया गया, ये दो क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों से पूछे गए हैं। और इन दोनों का आंसर अब तक आप लोगों ने दे दिया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें पूछा गया था कि विच बैंक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक, क्या आंसर होगा इसका, आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक। ठीक है ना, वन लाइनर ही करेंगे, चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी, PDF भी आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया है, तो वो चीज़ें अभी आप लोगों को
याद होंगी, मैं इसमें उम्मीद कर रहा हूँ। और इसमें पूछा गया है कि यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार, इसका जो आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च वॉइस बैंकिंग सोल्यूशन टू एलिमिनेट लैंग्वेज बैरियर्स अक्रॉस इंडिया, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, यानी कि भारत भर में भाषा बाधाओं को खत्म करने के लिए वॉइस बैंकिंग समाधान लॉन्च करने के लिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस तकनीकी संस्थान के साथ में भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। और यहाँ पर मैंने ऑप्शन आप लोगों को दे दिया है, आप लोग डिफरेंस समझना कि ऑप्शन देने के बाद में आपको चीज़ें याद रह रही हैं या विदाउट ऑप्शन की भी चीज़ें याद रह रही हैं। अभी चार क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया था, पांचवें में आपको ऑप्शन दे दिया गया है, तो बिना ऑप्शन के भी अगर आपको चीज़ें याद रह रही हैं तो ठीक है, मतलब तैयारी बढ़िया है, आपके दिमाग में चीज़ें घुस रही हैं, नहीं तो फिर ऑप्शन तो एग्जाम में दिया ही जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहती है कि बिना ऑप्शन के भी चीज़ें हमको याद रहें। इसका आंसर आप लोग बताओ, फटाफट इसका आंसर दो। अब तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। बोथ ए एंड बी, यानी कि आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क और आईआईटीएम इनोवेशन सेल, ये दोनों जो है इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों के साथ में अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने रिसेंटली पार्टनरशिप किया हुआ था, क्यों किया हुआ था, जिससे कि वॉइस बैंकिंग सोल्यूशन लॉन्च किया जा सके लैंग्वेज बैरियर को इंडिया भर में ख़त्म करने के लिए। कौन कौन सी लैंग्वेज में रहेंगी ये, तो इनिशियली हिंदी, तमिल, तेलुगु और इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगी, ठीक है। और इसके साथ साथ इन तीनों ने चलो ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, रिवीजन क्लास है तो फिर रिवीजन की तरीके से ही चीज़ें रहेंगी। तो किसका किसका ये भी सही हो आप लोग कमेंट करते रहो, फटाफट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पर भी हमारे सामने दिए गए हैं, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आंसर आपको देना है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिलीज्ड पेरोल रिपोर्टिंग डाटा एनालिसिस इन मई 2023। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा एनालिसिस व्हिच स्टेट हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉर्मल जॉब क्रिएशंस, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में मई 2023 में पेरोल रिपोर्टिंग डेटा विश्लेषण जारी किया, इस डेटा के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक औपचारिक रोजगार सृजन किया, एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च द मोबाइल ऐप पीएम स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर्स टू ईज देयर लोन एप्लीकेशन प्रोसेस अंडर द पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि स्कीम, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत अपनी ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप पीएम स्वनिधि लॉन्च किया है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। और अब तक आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, यहाँ पर बात हुई है कुछ स्टेट पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चन से संबंधित जब पढ़ाई जा रही थी बताई गई थी, उसको भी रिकॉल करना। महाराष्ट्र 2017 से लगातार जॉब क्रिएशन में टॉप पर रहा है, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु का नंबर आता है, सब कुछ आप लोगों को ये पढ़ाया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, यूनियन मिनिस्टर का नाम पूछा गया था, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर का नाम इसमें क्या हो जाएगा, तो यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे हरदीप पुरी, यूनियन मिनिस्टर जी हो जाएंगे ये हरदीप पुरी, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। और ये हरदीप पुरी जी हैं कौन, तो ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, ठीक है ना, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, ठीक है, ठीक। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना, 1 जून 2023 को इस योजना के 3 साल पूरे हुए थे, ठीक है। बाकी योजना वगैरह में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। 7 क्वेश्चन टोटल हम लोगों ने कर लिया है अभी तक, 7 क्वेश्चन में से किसके किसके कितने सही हुए नोट डाउन आप लोग करते रहो, वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ेंगे, फिर से 2 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। इन ऑर्डर टू लॉन्च द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल पेंशन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मिंत्रा, यानी कि अपनी तरह का पहला डिजिटल फैशन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में मिंत्रा के साथ में साझेदारी की है, ये पहला क्वेश्चन, इसका आंसर दो आप लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट हीट इंडेक्स बेस्ड इंश्योरेंस प्लान टू प्रोवाइड फाइनेंशियल कंपनसेशन टू मू मार्क डेयरी फार्मर्स विच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद मूपे प्राइवेट लिमिटेड IBISA नेटवर्क एंड इंश्योरटेक स्टार्टअप ग्रैम कवर, ठीक है। इसका क्या मतलब हो जाएगा, मू मार्क डेयरी किसानों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने के लिए भारत की पहली हीट इंडेक्स आधारित बीमा योजना शुरू करने के लिए किस बीमा कंपनी ने हाल ही में मूपे प्राइवेट लिमिटेड IBISA नेटवर्क एंड इंश्योरटेक स्टार्टअप ग्राम कवर के साथ में भागीदारी की है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे, अब तक आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए होंगे। यहाँ पर बात हुई थी बैंक पूछा गया था,
यहाँ पर पूछा गया था बैंक, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, इसका आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा क्या गया था, इसमें क्या पूछा गया था, विच इंश्योरेंस कंपनी पूछा गया था, तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताना है आप लोगों को, तो इसका जो आंसर हो जाएगा HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों के आंसर आप लोगों को बताएंगे, आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद दी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अंडर वन प्लेटफॉर्म, मनाप्रम फाइनेंस लिमिटेड हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म बाय विच नेम। ग्राहकों को एक मंच के तहत सभी वित्तीय उत्पाद प्रदान करने के लिए मनाप्रम फाइनेंस लिमिटेड ने हाल ही में किस नाम से एक नया डिजिटल ऋण मंच लॉन्च किया है, पहला क्वेश्चन है ये। दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसमें बोला गया है कि द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDAI हैज रिसेंटली आइडेंटिफाइड विच इंश्योरेंस कंपनी एज द एक्वायरर इंश्योरर ऑफ द बिजनेस ऑफ सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड SIIC। भारतीय जीवन बीमा, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने हाल ही में सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी SIIC के व्यवसाय के अधिग्रहणकर्ता बीमाकर्ता के रूप में किस जीवन बीमा कंपनी को आइडेंटिफाई किया है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताना है, यहाँ पर नाम बताना है, डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताना है, यहाँ पर न्यू डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताना है पूछा गया है, तो इसका जो नाम हो जाएगा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म का माँ मनी, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, माँ मनी ये इसका नाम हो जाएगा डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म का। और यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पूछी गई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का SBI लाइफ इंश्योरेंस, ये हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है, SBI लाइफ इंश्योरेंस ये हो जाएगा हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताए गए, चीज़ें जो पढ़ाई गई थी इसको पढ़ाने के टाइम पर उसको भी रिकॉल करते हुए चलना आप लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO हैज फॉर्म्ड 3 कमेटीज टू फ्रेम ड्राफ्ट स्कीम फॉर पेंशन प्रोविडेंट फंड एंड इंश्योरेंस अंडर EPFO इन लाइन विद प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। हु इज द ओवरऑल कोऑर्डिनेटर फॉर ऑल दीज कमेटीज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने यानी कि EPFO ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के अनुरूप EPFO के तहत पेंशन भविष्य निधि और बीमा के लिए योजनाओं का मसौदा तैयार करने के लिए 3 समितियों का गठन किया है, इन सभी समितियों का समग्र समन्वयक कौन है, ये इसमें पूछा गया है। 5 सेकंड का टाइम रहेगा आप लोगों के पास में, इसका आंसर देने की कोशिश करो, बताओ इसका आंसर। और इस क्वेश्चन को जब पढ़ा रहे थे तो कौन कौन सी कमेटियाँ बनाई गई हैं, ठीक है, और कितने कितने मेंबर्स हैं, वो सब कुछ आपको पढ़ाया गया था, PDF में भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं, तो उसको भी आप लोग इस टाइम पर रिकॉल करना। और इसका आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा अभी तक, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रमौली चक्रवर्ती, इसका जो आंसर हो जाएगा चंद्रमौली चक्रवर्ती चक्रवर्ती, ठीक है, बंगाली भाई साहब हैं ये, ठीक है, तो ऑप्शन तो कह रहा ही नहीं, तो चंद्रमौली चक्रवर्ती ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा जो तीनों समितियां हैं इसका समग्र समन्वयक चंद्रमौली चक्रवर्ती जी हैं। आगे बढ़ते हैं, ये भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन ऑर्डर टू डेवलप ए पाइपलाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि NAFED। भारत भर में बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए तैयार सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं की पाइपलाइन विकसित करने के लिए किस संगठन ने हाल ही में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ये इसमें पूछा गया है, और इसका आंसर आप लोग बताओ, बताओ आप लोग फटाफट आंसर दो। ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आप लोग कॉमेंट करो, फटाफट कॉमेंट कर बताओ। इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं और 15 के 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होंगे, इसको मैं पढ़ रहा हूँ और इसका भी आप लोग आंसर देने की कोशिश करो जब तक मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। इन ऑर्डर टू इनेबल इट्स कस्टमर्स टू विदड्रॉ यूजिंग UPI
फ्रॉम द बैंक एटीएम विदाउट यूजिंग फिजिकल डेबिट कार्ड विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च द इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल यानी कि ICCW फैसिलिटी। अपने ग्राहकों को भौतिक डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना बैंक के एटीएम से यूपीआई का प्रयोग करके नकदी निकालने में सक्षम बनाने के लिए किस बैंक ने हाल ही में इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा शुरू की है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट कुबेर विच इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 4 ट्रांजेक्शन बैंकिंग हब्स एंड 1 कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज हब इन बेंगलुरु कर्नाटका, यानी कि किस बैंक ने हाल ही में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया जिसमें बेंगलुरु कर्नाटका में 4 लेन देन बैंकिंग हब और 1 कॉर्पोरेट वेतन पैकेज हब की स्थापना शामिल है। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हैं और इसका आंसर अब तक आप लोगों ने दे दिया होगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें पूछा गया था विच बैंक, इसमें बैंक का नाम पूछा गया था तो इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका जो आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। और दूसरा क्वेश्चन जो है इसमें भी बैंक का ही नाम पूछा गया था, ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया हुआ था। प्रोजेक्ट कुबेर में क्या क्या है, कहाँ लॉन्च किया था, क्या होगा, सब कुछ पहले पढ़ाया जा चुका था, ठीक है ना। और यहाँ पर ICCW की बात हुई थी यानी कि इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश फैसिलिटी की वगैरह की बात हुई थी, ठीक है। कौन से बैंक ने लॉन्च किया था, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई, टोटल 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया और इन 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने कितने सही हुए आप लोग बताओ, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर बढ़ाने होंगे तो भी आप लोग अपना कमेंट देना, फीडबैक देना, ऑप्शन अगर डालने होंगे तो भी बताना, हालांकि मैं ऑप्शन डालने के मूड में नहीं हूँ, इसी तरीके से आपको रिवीजन कराया जाएगा, ठीक है। और रिवीजन आप लोग जब भी करते हो उस क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीज़ें पहले पढ़े रहते हैं उसको भी याद करने की कोशिश किया करो, ठीक। तो 15 में से कितना आपका सही हुआ आप लोग बताओ, और भी इस तरीके की क्लासेस वगैरह अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताओ। रेगुलर रिवीजन भी हम लोग करा देते हैं, आरबीआई न्यूज़ भी प्लान कर ही रहे हैं, टाइम मिलता है तो वो भी मैं आप लोगों को अवेलेबल कराता हूँ। तो चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।